जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये खास 9 दिन मैं वो उपाय आपको नहीं बताऊं जिससे कि आप सबको अपनी मनोकामना की पूर्ति हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आप लोगों के सवालों के साथ। सबसे पहले तो जो आपने घट स्थापना का मुहूर्त मुझसे पूछा है, तो घट स्थापना का जो मुहूर्त का समय है वो है सुबह 6:05 से लेकर के 10:05 तक। ये इस पर्टिकुलर पीरियड में आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त आता है घट स्थापना का, वो आता है 11:50 से लेकर के 12:40 तक। तो ये दो मुहूर्त ऐसे हैं जिसमें कि आप घट स्थापना कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट सवाल इस बार जो मेरे पास ज़्यादा आया है, आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरह करना है। काफ़ी लोगों ने मुझे ये तक बोला है कि जगह जगह ये बताया गया है कि आप सारा पाठ एक ही दिन में आपको ख़त्म करना होता है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी पाठ करें आप या मंत्र जप करें तो उनके नियम होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा स्तुति अलग है, सप्तशती अलग है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पूरे नियम के साथ पाठ करना होता है। पाठ करने से पहले आप संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया है कि हाथ में आप कुछ रुपये, चावल, फूल रखकर, आप सीधे हाथ में रखकर आप संकल्प लीजिए। संकल्प में आप अपना नाम, अपना गोत्र, जगह का नाम, किस तारीख को, किस महीने को, किस समय आप किस चीज़ का पाठ कर रहे हैं, ये सब आपको प्रॉपर तरीके से बोलकर संकल्प लेना होता है। और फिर वो पैसे और वो जो चावल और वो है, वो आपने एक जगह उसी चौकी पर जहाँ आप माता रानी की मूर्ति स्थापित करके पूजा शुरू करते हैं, वहीं पर आपने साइड में एक जगह रख देना होता है। तो ये संकल्प लेने के बाद में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अब पाठ करने का नियम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी भी आप एक दिन में सारा ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और ना ही ऐसा है कि आप एक दिन में एक पाठ ही करेंगे, ऐसा भी नहीं है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के जो नियम हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ पहले नवरात्रे पर पहले दिन आपको सिर्फ एक ही पाठ करना होता है। दूसरे दिन आपको दो पाठ करना होता है, मतलब दूसरा और तीसरा अध्याय। तीसरे दिन आपको एक ही पाठ करना होता है, मतलब चौथा अध्याय। चौथे दिन आपको 4 पाठ करने होते हैं, मतलब 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय। इसके बाद 5वें दिन आपको 2 पाठ करने होते हैं, जिसमें कि 9वां और 10वां अध्याय होता है। 6ठे दिन आपको एक ही पाठ करना होता है, जिसमें कि 11वां अध्याय होता है। और 7वें दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय करना होता है। तो इस तरह नियम पूर्वक आप 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कोशिश करिए कि सुबह ही करें। फिर कुछ लोगों के सवाल हैं कि हम व्रत नहीं रखते हैं, पाठ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि नवरात्रि में आप व्रत रखें ना रखें, आपके घर में पूजा पाठ होती है, लेकिन नवरात्रि में आप प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं, और सब्जी में डालकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इन 9 दिनों में आप कुछ नहीं तो नियम भी अगर कर लेंगे ना, तो भी आप कुछ ना कुछ बदलाव अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखेंगे। तो प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना ही करें, और अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सवाल जिनका था, आपका रिप्लाई मैंने आपको कर दिया है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इन 9 दिनों में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगी। आप व्रत नहीं रख पा रही हैं तो कोई बात नहीं है, आप पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के लिए बस नियम का पालन करिए, नहाने के बाद ही आपने पाठ करना है। इसके अलावा आप मॉर्निंग में, जो कुछ लोगों का सवाल है कि पहले हम कुछ खा लें, हम बैटी ले लेते हैं उसके बाद पाठ करें, तो जी नहीं। अगर आप पाठ कर रहे हैं या किसी मंत्र की स्तुति कर रहे हैं या किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप सुबह उठने के बाद में आप जल
पानी ज़रूर पी सकते हैं, उसके अलावा आप चाय कॉफ़ी या ये सब नहीं ले सकते हैं। तो ये तो हो गए मुहूर्त के बारे में, और ये हो गया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरह करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं, तो सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ भी करेंगे तो उससे भी आप बहुत 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 बदलाव देखेंगे अपने अंदर। तो अब दुर्गा जी के 9 दिन आ रहे हैं, मेरी माता रानी के 9 दिन आ रहे हैं, मेरी क्या हम सबकी माता रानी के 9 दिन आ रहे हैं, तो इन 9 दिनों में वो क्या खास अचूक उपाय है जो हम कर सकते हैं। तो आज बात करूँगी उस महा उपाय के बारे में जो आप पहले नवरात्रि में कर सकते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही है, गृहस्थ जीवन का सुख खराब है, या फिर हस्बैंड कहीं और रह रहे हैं, वाइफ कहीं और है, किसी कारणवश आप दोनों साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो ये पहले नवरात्रे पर उपाय कीजिएगा। और इस उपाय को करने का समय जो रहेगा वो रहेगा 11:55 से लेकर के 12:30 के बीच में। सिर्फ यही एक टाइम है जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, आपने थोड़े से चावल जो खंडित ना हो, प्रॉपर अक्षत जिसको हम कहते हैं, जो टूटे हुए ना हो, चावल लीजिए, उनको सिंदूर से लाल रंग से एक मुट्ठी चावल ले लीजिए। जिसको उपाय करना है वो खुद ही अगर करे तो बहुत बढ़िया, ये नहीं कि उपाय आपको करना है, आप अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि आप एक मुट्ठी चावल कलर कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। तो जो इस उपाय को कर रहा है शुरू से लेकर अंत तक सारी क्रिया उस ही इंसान को करनी है। एक मुट्ठी चावल लीजिए, लाल रंग के सिंदूर से इसको कलर कर लीजिए। कलर करने के बाद में एक घी का दीपक जलाइए, 9 बत्ती का दीपक होना चाहिए। अब सवाल होंगे कि 9 बत्ती का दीपक कैसे होगा, तो देखिए 9 बत्ती के दीपक का मतलब है बत्तियां 9 होनी चाहिए, चाहे आप उनको मिलाकर 1 बत्ती का बना दीजिए, नहीं तो आप जिस तरह 4 मुखी दिया 4 बत्ती वाला बनता है चारों डायरेक्शन में, उसी तरह आप 9 बत्ती लगाकर भी दीपक जला सकते हैं। 9 बत्ती का दीपक जलाइए, घी का दीपक होना चाहिए, और ये दीपक आपने एक प्लेट में, वो जो रेड कलर के चावल आपने कलर किए हैं सिंदूर से, एक प्लेट पर आप ये एक मुट्ठी चावल रखिए, उसके ऊपर ये दीपक आपको जलाना है 9 बत्ती का। दीपक जलाने के बाद में आपको ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये क्रिया आपको इसी समय में करनी है जो मुहूर्त मैंने आपको बताया, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त है और इस समय में क्रिया किया हुआ कार्य बहुत ज़्यादा और जल्दी सफल होता है, तो ये वाली क्रिया आपको इसी समय पे करनी है। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद और कोशिश करिएगा कि ये दिया आपका जब तक आपका जाप चल रहा है बुझना नहीं चाहिए, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा दिया लेना है, कितना घी डालना है। गाय के घी का ही इस्तेमाल करना है इसमें, आपको तेल नहीं यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गाय का घी। तो जो क्वेरी आप बाद में करें तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, फिर मुझसे क्वेरी करिएगा। 9 बत्ती का दीपक जलाइए चावल की ढेरी के ऊपर रख करके, और ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करिए। इसके साथ में जब भी आप जाप करेंगे तो 109 फूल गिनकर लाल रंग के गुलाब के रख लीजिए। अब करना कैसे है, एक गुलाब का फूल लीजिए और वो चावल जो लाल वाले आपने कलर करे हैं उसी में से थोड़े चावल साइड में रखकर आप उन्हीं में से एक गुलाब का फूल चावल लीजिए, सीधे हाथ में लेकर ओम दोम दुर्गाय नमः ऐसे जाप करके माथे से उसको टच करके माता रानी के सामने चढ़ा दीजिए। जब आप ये चीज़ फूल चढ़ाएंगे तो सामने कोई कटोरी या प्लेट रख दीजिएगा ताकि ये सारे फूल और चावल एक जगह इकट्ठे हो जाएं, बाद में आपको पूरा सामान ना हिलाना पड़े चौकी का इस वजह से। तो ये उपाय आपने 108 फूल गिनकर रख लीजिएगा, कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो जाए चलेगा पर कम नहीं होने चाहिए। तो ये उपाय आपने सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर टाइम पे करना है, 108 बार मंत्र जाप करना है, और लास्ट में माता रानी से हाथ जोड़कर विनती करनी है कि हमारे बीच में जो भी मन मुटाव है या जिस भी कारणवश हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उस बंधन को काटें, हम लोगों के मिलने के रास्ते खोलें। ये आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है, विश्वास करिए अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके बंद रास्ते बहुत जल्दी खुलेंगे।
और जैसा कि मैं बार बार कहती आई हूँ और आप लोगों का दिल से थैंक यू जो लोग मेरे उपाय करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर ऑडियो रिकॉर्ड कर भेजते हैं। अगली वीडियो में सबकी ऑडियो मैसेज मैं डेफिनेटली सुनाऊंगी जिन जिन लोगों ने मुझे भेजा है। सो दिल से आप लोगों का थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए। ये उपाय करिए, तो ये उपाय आपका पहले दिन का उपाय है, इसको करिए और फ़र्क फिर आप मुझे बताएंगे। जय माता दी।